राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। रोड शो शुरू हो गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जोश में हैं। और जो बात प्रियंका गांधी की तरफ से अभी कुछ दिन पहले जब वो अमेठी पहुंची थी प्रचार के लिए, तो उन्होंने अमेठी के लोगों से कहा था कि देखिए इस बार आपको सिर्फ सांसद नहीं, आपको देश का प्रधानमंत्री चुनना है। और उसी तरीके के नारे इस वक्त अमेठी की सड़कों पर गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने को लेकर यहां पर नारेबाजी हो रही है और साथ में नारे चौकीदार चोर है के भी गूंज रहे हैं इस वक्त अमेठी की फिजाओं में। हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लिए चलते हैं आपको मौके से। एबीपी न्यूज संवाददाता जनिंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जनिंद्र, किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और किस अंदाज में ये रोड शो नामांकन भरने के लिए जो निकले हैं राहुल गांधी, वो आगे बढ़ रहा है, बताइए जरा दर्शकों को। रोमाना, ये अमेठी का गौरीगंज इलाका है जहां से कि ये रोड शो शुरू हुआ है और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्टेरिएट स्थित है जहां पर कि नामांकन दाखिल करना है। अगर हम उत्साह की बात करें तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जो यहां 15 सालों से सांसद हैं, परिवार की परंपरागत सीट है, वो आए हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका के बच्चे भी हैं। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के उत्साह का जो है वो कोई पैमाने में अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो फिट नहीं बैठ रहा, जबरदस्त उत्साह में है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों की अगर मैं बात करूं रोमाना, तो झंडे कांग्रेस के नजर आ ही रहे हैं जिस पर कि राहुल, प्रियंका, सोनिया आदि नेताओं की तस्वीर है, लेकिन एक अलग झंडा नजर आ रहा है जो नीले रंग का झंडा आप देख रहे हैं। उस पर न्याय स्कीम के तहत जो 72,000 रूपये सालाना गरीब परिवारों को देने का ऐलान किया है राहुल गांधी ने सरकार बनने पर, वो नारा जो है वो उन नीले झंडों पर लिखा हुआ है। 72,000 की रकम लिखी हुई है, राहुल गांधी की तस्वीर है। और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राहुल गांधी का कांग्रेस के घोषणा पत्र का, यानी न्याय स्कीम, उसका जिक्र यहां पर झंडों पर है। और ये काफिला जो है वो बढ़ रहा है, रोड शो शुरू हो चुका है और ये तकरीबन 1 घंटे लगेंगे रोमाना मुझे लगता है कलेक्टेरिएट पहुंचने में, जहां पर कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। बहरहाल अगर मैं तुलना करूं वायनाड सीट से, वायनाड में जो राहुल गांधी का नामांकन था, क्योंकि वहां पर भी मैं मौजूद था नामांकन से पहले के रोड शो को कवर करने के लिए, तो वायनाड की तुलना में यहां की जो भीड़ है वो आधी से भी कम नजर आ रही है। वायनाड में काफी ज्यादा भीड़ थी, अमेठी में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। उत्साह वायनाड वाला ही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी, झंडों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश है। जाहिर है यहां 2014 में स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी राहुल गांधी को, तकरीबन जो जीत का अंतर 3 लाख से ऊपर हुआ करता था वो सिमटकर 1 लाख रह गया था। तो इस रोड शो के शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है, और उसी के मद्देनजर इस तरीके की भीड़ जो है वो जुटाई गई है हमने कांग्रेस। जी रोमाना, जनेंद्र, नामांकन के समय इस तरीके का रोड शो और उसमें प्रियंका गांधी तो हर बार अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई नजर आई है, हर बार नामांकन भरने के मौके पर भाई के साथ वो रही है, लेकिन जिस तरीके से आज उनके बच्चे मौजूद हैं, उनका बेटा, उनकी बेटी, और हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो संवाद वहां पर मौजूद लोगों के साथ प्रियंका गांधी इसी ट्रक से हाथ हिलाकर कर रही हैं, इशारों में बातें कर रही हैं, उसमें इशारा करके बता भी रही हैं कि ये मेरी बेटी है शायद। तो इस तरीके का ये पहला मौका जब प्रियंका गांधी के बच्चे राहुल गांधी के नामांकन के लिए जो रोड शो बढ़ चला है उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, बच्चे जो है प्रियंका गांधी के वो बड़े हो गए हैं, और प्रियंका ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अब बच्चे बड़े हो गए, इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया है, और शायद इसी वजह से अपने मामा के नामांकन में ये दोनों जो बच्चे हैं प्रियंका के और रॉबर्ट वाड्रा के वो नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इससे पहले भी कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में हम इन बच्चों को देख चुके हैं राहुल गांधी के साथ, खासतौर पर जब याद होगा आपको कठुआ रेप कांड के बाद के खिलाफ जब इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकला था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे नजर आए थे। तो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में इससे पहले जरूर नजर आए हैं, इस बार जो है वो ट्रक पर, और रॉबर्ट वाड्रा भी हमारा, ये भी मैं जोड़ दूं कि रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के पिछले तीनों नामांकन और ये चौथा नामांकन है, इससे पहले के हर नामांकन में रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी में रहे हैं। तो प्रियंका है, रॉबर्ट वाड्रा है, और अब जो बच्चे जो पहले छोटे छोटे हुआ करते थे, अगर वो आए भी होंगे तो उन पर नजर शायद नहीं पड़ी होगी मीडिया की, अब वो बड़े हैं तो वो सामने से नजर आ रहे हैं। और प्रियंका का एक अपना अलग स्टाइल है, जाहिर सी बात है वो इशारों में लोगों को समझा रही है या लोग जानते भी हैं कि ये मेरे
बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रियंका फैक्टर हर रोड शो में नजर आता है जब प्रियंका मौजूद रहती है, और अपने अंदाज से वो राहुल गांधी को भी कई बार फीका, राहुल गांधी के अंदाज को भी फीका कर देती है। तो प्रियंका तो मौजूद है ही, राहुल गांधी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आ रही है और ये रोड शो जो है वो बढ़ रहा है कलेक्टेरिएट के लिए। अगर एक अहम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूं रोमाना, तो सोनिया गांधी अनुपस्थित है और ट्रक पर अगर किसी की कमी है तो वो है राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी पिछले तीन बार से जब से अमेठी में नामांकन करने आते थे, राहुल गांधी तो एक तरफ प्रियंका रहती थी एक तरफ सोनिया रहती थी। इस बार सोनिया गांधी जो है वो मौजूद नहीं रहेंगी क्योंकि वो नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कल रायबरेली से उनको नामांकन दाखिल करना है तो वो कल रायबरेली में अपना नामांकन दाखिल करेंगी और उनके नामांकन के वक्त राहुल भी मौजूद रहेंगे, प्रियंका भी मौजूद रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस रोड शो में सोनिया गांधी मौजूद नहीं है और ये एक कमी है। हालांकि शायद उसकी भरपाई प्रियंका के बच्चे कर रहे हैं और ये जो रोड शो है ये अब बढ़ रहा है बहुत धीमी गति से। राहुल ट्रक पर सवार है और पूरा परिवार ट्रक पर सवार है। आप बता रहे हैं सोनिया गांधी मौजूद नहीं है, उसके पीछे शायद स्वास्थ्य कारण है, इस वजह से सोनिया गांधी मौजूद नहीं है। लेकिन एक और अहम बात जो रेखांकित कर रहे थे यहाँ पर जैनेन्द्र, वो देखिए हमने ये जो एबीपी न्यूज में खास कवरेज के लिए तैयारी की है उसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2004 में जब नामांकन दाखिल करने गए राहुल गांधी, तब की तस्वीरें देखिए किस तरीके से मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा वो साथ में हैं। 2009 में भी बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीर, मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के पति वो साथ में। 2014 में भी ये तीनों लोग राहुल गांधी के साथ में थे और इस बार 2019 राहुल गांधी अमेठी के अग्निपथ के लिए जब बढ़ रहे हैं आगे, तो फिर मां सोनिया गांधी जो बताया जा रहा है स्वास्थ्य कारणों की वजह से साथ में नहीं, लेकिन प्रियंका, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा हर बार की तरह राहुल गांधी के साथ, और इस बार बच्चे प्रियंका के जो अब बड़े हो गए हैं वो भी अमेठी में, जब मामा राहुल गांधी उनके नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो रोड शो का हिस्सा हैं। शोभना माना, और जैसा कि हम जानते ही हैं भावनाओं का देश है और गांधी परिवार के लिए अमेठी का एक अलग ही प्यार रहा है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमके वेणु संपादक है द वायर के, दिबांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। एमके वेणु आपका मैं रुख करूंगी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं तब जब गांधी फैमिली के लिए एक विशेष लगाव है अमेठी का, भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, तो ये इमोशनल कार्ड भी है एक तरीके से। हाँ, अब जैसे दिबांग पहले बोल रहे थे और यही सवाल दिबांग फिर मेरा आपसे भी है कि ये इमोशनल कार्ड है अमेठी की जनता के लिए, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ है इस समय। हाँ, जैसे दिबांग पहले कह रहे थे 1980 से अगर परिवार ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट किया है और कोई ना कोई हमेशा पहले यू नो सोनिया गांधी, फिर राजीव, पहले राजीव सोनिया, फिर राहुल गांधी, फिर जो सवाल दिबांग ने उठाया अगला शायद प्रियंका यहाँ से आए, तो इमोशनल कनेक्ट तो है। और दूसरा मैं कुछ हद तक सोचता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट वाला डिबेट है अमेठी का डेवलपमेंट, ये यूपी से जोड़ के देखना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेठी कोई बहुत बड़ा सिंगापुर बन जाए और बाकी यूपी, तो ये एक यूपी सरकार का भी इसमें दायित्व है। सेंटर पिछले 5 साल में तो बीजेपी दोनों जगह रही है, तो इसका जो डेवलपमेंट जो डिबेट है वो जो दोनों के बीच में जो खींचातानी होती है उसमें मुझे कुछ खोखलापन ज्यादा दिखता है। ठीक है दिबांग, एक सवाल आपके साथ, इमोशनल कार्ड तो है ही है और वेणु ने इसका जवाब भी दिया, मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रियंका गांधी को उतार दिया गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी के आने से कुछ परसेंटेज भी वोट शेयर बढ़ेगा तो कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आप जिंदा होते हुए देखेंगे, अगर वोट शेयर कुछ थोड़ा भी बढ़ता है कांग्रेस का प्रियंका गांधी के आने के बाद? जी हाँ, देखिए, और दूसरी बात क्या है कि अगर इनकी बुरी तरह से हार होती है देश भर में तो एक जो अफरा तफरी मचेगी पार्टी में उसको बचाने का एक रास्ता भी है। इसलिए अगर आप प्रियंका गांधी को ध्यान से सुने तो वो 2019 की तो बात करती हैं, 2022 की भी तैयारी की बात करती हैं, संकेत देती हैं कि यहाँ वो लंबे समय तक रहने वाली हैं, संकेत देती हैं कि वो अगर भाई नहीं कुछ कर पाते हैं तो वो भी करने के लिए आगे आएंगी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यानी अगर आप इसमें आप सिर्फ प्रियंका के बारे में बात करें इस समय तो एक वो मदद देती हैं। दूसरा, मैं अगर उससे हटकर सिर्फ ये जो चित्र पर आ जाएं तो इमोशनल कार्ड पर, और दूसरा कार्ड ये भी है कि आप देखिए कि इस समय पहले खड़े होते तो राहुल गांधी, उनके बगल में खड़े होते रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर लगातार
अब कांग्रेस कुछ भी कहे, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन जिन पर से लगातार ईडी की पूछताछ हो रही है, तो इस समय राहुल गांधी और वाड्रा के बीच में एक उनके बेटे खड़े हुए हैं, बिल्कुल मामा भांजे तो एक दूरी बनती हुई भी दिखाई दे रही है। हाँ। तो वो भी उस हिसाब से भी, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार छापे पड़ रहे हैं, बहुत संभव है कि रॉबर्ट वाड्रा पर भी जल्दी छापे पड़ने शुरू हो जाएं, तो एक तरीके से वो दूरी बन रही है। और एक गंभीर जो बात है, जो डेवलपमेंट की बात जो बेनू कह रहे थे, देखिए ये मुद्दा जरूर है वहां पर, और ये गांधी परिवार की वजह से ही है। ये अमेठी के लोग बार बार कहते हैं कि गांधी परिवार की वजह से ही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं, यहाँ पर योगी भी आते हैं। कल जो स्मृति ईरानी जब अपना दायर करेंगी पर्चा, तो उसमें योगी पहुंचेंगे, मंत्रिमंडल के उनके जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के वो पहुंचेंगे, और इससे भी बड़ी रैली की बात उन लोग कर रहे हैं, रोड शो की बात उन लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक बात समझने वाली है कि इस चुनाव क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती हैं, 4 इस समय बीजेपी के पास हैं। तो आप ये देखिए कि वहाँ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, जमीनी स्तर पर भी, ऊपर नेताओं के स्तर से भी, तो लगातार उन लोग एक सघन प्रयास उनका लगातार चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये समझना। लेकिन अगली पीढ़ी तो हमें दिखाई दे ही रही है तस्वीर में, प्रियंका गांधी का बेटा जो है वो राहुल गांधी के एकदम बराबर में खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे कि आपने बात करी कांग्रेस की जमीन की बात करी उत्तर प्रदेश में, अगर राहुल गांधी अमेठी की सीट छोड़ते हैं और वायनाड को चुनते हैं 2019 का जब नतीजे आएंगे, मैं हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ रही हूँ दिबांग जी, इस समय तो आपको ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी का कद लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, प्रियंका गांधी अगर अमेठी आ जाती हैं तो वो कद कहीं बहुत छोटा रह जाएगा? प्रियंका गांधी अच्छा लड़ेंगी राहुल गांधी के मुकाबले, ऐसा तो प्रतीत होता है, जिस तरह से अभी तक भी दिखाई देता है, चित्रों में भी दिखाई देता है, पहले से भी कयास लगा रहे थे लोग, जानकार मानते भी थे कि अगर वो उतरेंगी तो राहुल गांधी को कहीं ओवरशैडो कर देंगी, लेकिन कांग्रेस ने एक तरीके से उनको अच्छा किया उतारा, ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी को 3 राज्यों में जीत मिली, तो अब वही कांग्रेस ही कह सकते हैं नहीं, 3 राज्यों में जीतने के बाद वो आए हैं और राहुल गांधी की वजह से जीते हैं 3 राज्यों में, लगातार वो हारते रहते तो उनको वहां उतारने में बड़े उन पर हमले होते कि भाई अब आपका क्या काम है, अब आप हटिए, प्रियंका को आने दीजिए। तो एक तरीके से अच्छा उनको मौका मिला ये चाल चलने का, और एक उन्होंने इस चाल को आगे बढ़कर चला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो रैली हम लोग देखते हैं आजकल, ये जो रोड शो है, ये नई बीमारी है भारतीय राजनीति में, और मेरे ख्याल से ये आलसी राजनेताओं की बीमारी है। आप कुछ करिए मत करिए, मैं कह रहा हूं कि इतनी सक्रिय गलियां होती हैं, इतने ज्यादा भीड़ होती है, अगर वहां पर ट्रैफिक जैम भी हो जाए, किसी वजह से कोई गाड़ी में पंचर भी हो जाए, 2 सांड भी सड़क पर लड़ने लगे, तो भी इससे ज्यादा भीड़ वहां पर लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये भीड़ देखकर ये अनुमान लगाना कि भाई अब इनके ज्यादा समर्थक हो गए, उनके कम हो गए, ये कहना बहुत ज्यादा गलत होगा, और ये एक तरीके से लोगों को बहुत मुश्किल भी होती है इसकी वजह से, और एक लेजी पॉलिटिशियन है वो करते हैं इस तरह की राजनीति, और ये एक नया दौर चल गया है। और ये भी कहना दिवांग गलत नहीं होगा, और मैं रोमाना का भी रुख करूंगी, कि जिस तरीके से बीजेपी ने इसकी शुरुआत करी, हर चीज को एक इवेंट बना दिया, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी सीख लिया है। रोमाना, ये जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं, जो भी चीज राहुल गांधी को उछाली जाती है वो अपने भांजे को पास कर देते हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और देखिए क्योंकि मौका चुनाव का है, ऐसे में भीड़ को लेकर भी चर्चा होनी तो लाजमी है। और जो बात यहां पर जनेंद्र की तरफ से कही जा रही थी कि देखिए उत्साह तो वैसा ही जैसा वायनाड में देखा गया, लेकिन भीड़ की अगर बात की जाए तो वायनाड में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी जब अपना पर्चा दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, उस तरीके की भीड़ अमेठी में नहीं देखने के लिए मिल रही है। और भीड़ किस तरीके की है ये लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, किस तरीके की ये भीड़, गाड़ियों का काफिला भी है, कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदल भी चल रहे हैं, और ये वो ट्रक जिस पर मौजूद है पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी इस मौके पर नहीं पहुंची है अमेठी, राहुल गांधी को अमेठी से नामांकन दाखिल करना है, लेकिन अपनी स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया गांधी आज राहुल गांधी के साथ नहीं है, पर हर बार की तरह बहन प्रियंका गांधी साथ में है, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा साथ में है, और नई बात यह कि इस बार प्रियंका गांधी के बच्चे भी राहुल गांधी के नामांकन से पहले होने वाले इस रोड शो में उनके साथ हैं। और देखिए किस तरीके से नीचे से एक माला उछाली गई और राहुल गांधी ने माला जो है वो भांजे के गले में डाल दी। हम सीधे रुक करते हैं, जैनेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेन्द्र, अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता पुराना, और ऐसे में ये नई पीढ़ी जिसका एक जुड़ाव दिखाने की कोशिश राहुल गांधी जो कर रहे हैं, माला किसी ने दी नीचे से और उन्होंने सीधे वो भांजे के गले में डाल दी। जैनेन्द्र,
बिल्कुल रोमाना, देखिए जो सूत्र हैं गांधी परिवार से के नजदीक हमारे, वो बताते हैं कि राहुल गांधी अपने दोनों ही भांजे और भांजी से बहुत ही स्नेह करते हैं, खास तौर पे भांजे के साथ उनका विशेष लगाव है और वो अलग अलग मौकों पर अपने मामा के साथ नजर भी आते रहे हैं। और अभी भी आप अगर देखेंगे तो राहुल के बगल में उनका जो भांजा है यानी जो बेटा है प्रियंका का, वो है और बेटी प्रियंका के साथ मौजूद है। और जो आपने बताया कि राहुल की तरफ माला उछाली गई, वो उन्होंने बगल में उठा करके दे दिया। अक्सर हम देखते थे कि वो एसपीजी के जवानों को पकड़ा देते थे या फिर वापस भीड़ की तरफ माला उछाल देते थे, लेकिन जाहिर सी बात है उनके बगल में उनका भांजा है, तो वो माले को माला जो उनके तरफ उछाली जा रही है उसको वो वापस भांजे की तरफ लौटा रहे हैं। और हमारा एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि हमारे जो स्टूडियो में विशेषज्ञ बैठे हैं बता रहे थे कि अगर राहुल वायनाड और अमेठी दोनों जीतते हैं तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि अमेठी से नया चेहरा जो है वो प्रियंका गांधी हो। और वो भी रोड शो में एक अंदाज नजर आ रहा है कि राहुल से ज्यादा एक्टिव जो है वो प्रियंका गांधी है। और अगर मैं रॉबर्ट वाड्रा की तरफ ध्यान दूं तो रॉबर्ट वाड्रा तो एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। अक्सर हाँ हमने उनको बहुत गंभीर देखा है उनको, चाहे उनके व्यायाम की तस्वीरें आती हों या बाकी वो कभी कंबल बांटते नजर आते हैं, कभी ईडी ऑफिस पिछले दिनों में काफी उन्होंने चक्कर लगाया तो हमेशा उनके चेहरे पे गंभीरता होती थी। लेकिन अभी मैं अगर रॉबर्ट वाड्रा को अलग से देखूं तो अलग ही उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है और वो लगातार झुक करके और तालियां बजा करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ के साथ। उनके बगल में उनका बेटा है जो शांति से ऑब्जर्व कर रहा है, शायद ये तस्वीरें उसके लिए पहली बार वो इन तस्वीरों का गवाह बन रहा होगा, तो वो जो है सारी बात चीजों को बहुत गंभीरता से ऑब्जर्व करता हुआ नजर आ रहा है। और राहुल गांधी जो है वो अपने चिरपरिचित अंदाज में कभी हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी जो है वो गंभीर हो जाते हैं। और उनके बगल में जो बहन प्रियंका गांधी है राहुल की, वो लगातार अपनी बेटी के साथ बातचीत भी कर रही हैं और बीच बीच में हाथ हिला करके अभिवादन भी करती हैं, कोई नजदीक पहुंच जाता है उससे हाथ भी मिला लेती हैं। और भीड़ की जहां तक बात है रोमाना, तो शुरुआत में वायनाड से मैंने की थी और उसके मुकाबले मैंने ये जरूर कहा था कि भीड़ वायनाड जैसी नहीं है, लेकिन जो भीड़ है वो जबरदस्त है। और जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है भीड़ जो है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर लोग खड़े हैं और पीछे वाले आगे आते जा रहे हैं, आगे वाले जुड़ते जा रहे हैं, तो भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हर विधानसभा से हर इलाके से लोग यहां पर जुटाए गए हैं। और जैसे जैसे ये काफिला कलेक्टेरिएट की तरफ बढ़ रहा है रोड शो, भीड़ जो है ठीक है जनित, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। और ये जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए अब कलेक्ट्रेट की तरफ गौरीगंज से, और हम सीधे रुक करते हैं, रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर आप कहां पर खड़े हुए हैं इस वक्त बताइए, और आप से कितनी दूरी पर ये काफिला इस वक्त है? पहले बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल जाएंगे। रणवीर एबीपी न्यूज अमेठी। हम रणवीर का रुख करेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए, बेहद अहम ये तस्वीरें, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, और इस बार खास बात यह कि प्रियंका गांधी के जो दोनों बच्चे हैं वो यहां साथ में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के वक्त, जो रोड शो है उसमें खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं वेणु साहब से समझना चाहूंगी, सर ये जो तस्वीरें, जिस तरीके से अगर कोई परिवार कहीं जाता है अपनी पुश्तैनी जगह पर, वहां पर कोई ज्वाइंट फैमिली उस तरीके का फंक्शन होता है, तो बच्चों को जिस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है, आज उसी भूमिका में यहां पर प्रियंका और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए इस पूरे एटमॉस्फेयर में, अमेठी के लोगों से संवाद कराते हुए, नीचे से कोई माला दे देता है राहुल गांधी, वो प्रियंका गांधी के बेटे के गले में डाल देते हैं। एम के वेणु जी, हाँ एक मेरे को एक और ख्याल आया जो जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रही थी कि ये बिल्कुल जो कांग्रेस जिस तरह प्रेजेंट करती है अपने आप को, जो फैमिली, जो अमेठी फैमिली का एक वो है गढ़ है, तो ये पूरे फैमिली के साथ और एक फैमिली का टुगेदरनेस वाला पिक्चर ये प्रेजेंट करती है। अगर बिल्कुल कंट्रास्ट में आप देखिए, जब मोदी जी जब वाराणसी जाएंगे तो कोई नहीं होगा, उनका अपना ब्रांड पोजिशनिंग ये है कि मेरा कोई फैमिली नहीं, आसपास कोई नहीं है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट लगता है ये दोनों के बीच में। जी कॉन्ट्रास्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन दिबांग अब बड़ी बात तो ये कि इस बार राहुल गांधी सिर्फ अमेठी नहीं वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। इसे लेकर अमेठी के मन में कुछ सवाल होंगे क्या, क्योंकि वो सवाल बार बार अमेठी के लोगों के मन में डाले तो जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, स्मृति ईरानी जो वहां पर उम्मीदवार है राहुल गांधी की प्रतिद्वंदी है उनकी तरफ से।
जी हाँ बिल्कुल, ये ज़रूर सवाल होंगे और अमेठी के लिए ये सवाल पहले भी रहे। मतलब अमेठी ने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी भी अमेठी से लड़ी और बेल्लारी से भी चुनाव लड़ी और उन्होंने बेल्लारी का चुनाव छोड़ा, अमेठी से वो रहीं सांसद। क्या बड़ा सवाल है, क्या वो इस समय अमेठी रखेंगे कि वायनाड रखेंगे? क्या वो वायनाड रखकर अमेठी से बहन का रास्ता खोलेंगे लोकसभा के लिए? ये एक बड़ा बड़ा एक रोचक एक बात हो सकती है। और आगे अगर चाहें, अगर मैं इसमें और चूंकि कयास ही लगवाने को आप कह रही हैं, तो अगर और कयास लगाऊं तो बाद में वायनाड छोड़ के क्या वो रायबरेली, जहां से उनकी माँ हैं जिनकी तबीयत खराब है, वहां से अदला बदली सीटों की हो जाएगी? इस तरह के कयास, और ये जो मैं कयास आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ स्थानीय अखबारों में, वहाँ स्थानीय लोगों में इस बात की खूब चर्चा है, जोर शोर से चर्चा है। अगर रायबरेली की बात देखें, रायबरेली में भी इंदिरा गांधी लड़ी थी और वो मेढक से भी लड़ी थी, तब उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी थी। तो एक एक सीट तो छोड़नी पड़ती है, और दो सीटों से आप लड़ते हैं तो हमेशा एक ये वहाँ मतदाताओं को लगा रहता है कि भाई ये हमारी सीट छोड़ेंगे कि दूसरी वाली सीट छोड़ेंगे, यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये सारे सवाल जरूर होंगे। और जिस तरह से स्मृति ईरानी इस पर प्रचार करेंगी तो वो तीखे हमले भी करेंगी, इन पर जरूर हमले करेंगी और वो काफ़ी तालियां बजेंगी उन हमलों पर, तो उनके लिए भी उनको तैयार रहना है। बिल्कुल दिबांग, आपने इंदिरा गांधी मेढक का यहाँ पर जिक्र किया, आपने सोनिया गांधी का यहाँ पर जिक्र किया, बेल्लारी से जिस तरीके से वो चुनाव लड़ी, और अब राहुल गांधी, कयास अपनी जगह, लेकिन एमके विनु साहब सवाल रणनीति को लेकर भी उठेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है साहब हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस देश को एक धागे में पिरोना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद कहते हैं कि बहुसंख्यकों का जब अपमान किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और इसी डर से जा रहे हैं कि ऐसी सीट पर जहां अल्पसंख्यक मेजोरिटी में नहीं, जहां बहुसंख्यक मेजोरिटी में नहीं है, अल्पसंख्यक मेजोरिटी में है। एमके वेणु, देखिए जहां तक मेरा ख्याल है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे अभी हुआ था, इंडिया टुडे ने किया था कुछ दो तीन हफ्ते पहले, वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर्वे का आउटकम था कि जो हिंदी भाषी जो स्टेट्स हैं वहां पे मोदी जी की पॉपुलैरिटी